and welcome to my YouTube channel Kids Talent. I hope you all are fine. Have you seen my previous video? If not, I will give the link in the description box. In my previous video, I have told that my Navratri special video is coming soon. And here is the video you all were waiting for, Navratri special video. In this video, I will tell you some home decoration ideas for Navratri. अभी तो बाहर COVID-19 चल रहा है, दैट्स व्हाई हम घर से बाहर निकल के डेकोरेशन का सामान भी नहीं खरीद सकते, लेकिन हम घर के ही वेस्ट मटेरियल से बहुत सारे सुंदर सुंदर डेकोरेशन बना सकते हैं, और आज मैं आप सबके साथ उन्हीं में से एक आइडिया शेयर करूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जो डेकोरेशन का सामान बनाएंगे उसके लिए हमें ड्रॉइंग की जरूरत है। अगर आपके पास कोई कटआउट ड्राइंग है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप कुछ ड्राइंग बना भी सकते हैं। मैं राधा कृष्ण जी की ड्राइंग बनाऊंगी और एक सर्कल के अंदर बनाऊंगी। तो मैंने इधर एक प्लेट ले लिया है और मैं इसको रख के इधर एक सर्कल ड्रॉ करूंगी। मेरी शीट है, तो इससे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लूंगी। आप कंपास का यूज़ करके भी सर्कल बना सकते हैं, That's totally up to you. अब मैं इसके अंदर जो है ड्राइंग बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं अब इस सर्कल के अंदर राधा कृष्ण जी की ड्राइंग बनाऊंगी। मैंने सोच लिया मुझे कैसे बनाना है, और अगर आपको भी कोई ड्राइंग का आइडिया चाहिए तो आप इस ड्राइंग से ले सकते हैं। तो फर्स्ट मैं इधर राधा जी को बनाऊंगी। ये उनकी चुन्नी बना रही हूँ मैं, अभी इस चुन्नी को इतना ही छोड़ रही हूँ, उनकी फिर फेस बनाऊंगी आगे। तो ऑलमोस्ट मैंने राधा को बना लिया है, ये बस इसकी ड्रेस रह गई है। ऑलमोस्ट मेरा बन चुका है। हो गया ये। अब जो राधा की ज्वेलरीज होंगी, और ज्वेलरीज तो ज्यादा नहीं होंगी बट जो ड्रेस के अंदर जो डिजाइन वगैरह होंगी वो मैं बाद में कलर से ऐड कर दूंगी। अब मैं इधर कृष्ण जी को बनाऊंगी। तो ऑलमोस्ट मेरी ड्राइंग होने वाली है, बस इनका भी पंख बनाना है, पिकॉक फेदर। ये इसकी बॉर्डर बन गई। ये बस हो गया, अब इनकी तरह से नेक बना देंगे, और इधर एक ज्वेलरी। तो ये जो है मेरी ड्राइंग वो बन चुकी है। अब मैं इसमें कलर करूंगी। आप क्रेयॉन से कर सकते हैं, कलर पेंसिल कलर्स यूज कर सकते हैं, बट मैं इधर वाटर कलर्स का यूज करूंगी बिकॉज वाटर कलर से ये ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। तो मैंने इसको पेंट कर लिया है, मैंने इसे वाटर कलर से पेंट किया है, इसीलिए अभी थोड़ा सा गीला है। इसको मैं अभी एक घंटा सूखने के लिए रख दूंगी, उसके बाद इसे मैं एक कार्डबोर्ड शीट में पेस्ट कर दूंगी। आप भी ट्राई कीजिए वाटर कलर से इसको कलर करने के लिए, आप भी ट्राई कीजिए बिकॉज वाटर कलर से ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो मेरा जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुका है, मैंने इसको कट कर लिया है, ये सूख भी गया है। तो अब मैं इसको इस कार्डबोर्ड शीट में पेस्ट कर दूंगी। आप चाहे तो आप ऐसे भी पेस्ट कर सकते हैं, बट मैं काइट शेप में इसको पेस्ट करूंगी ऐसे। तो मैं इसमें ग्लू लगा देती हूँ। तो मैंने इसके चारों तरफ ग्लू लगा दिया है, मैं इसमें थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा ग्लू लगा देती हूँ।
तो मैंने इसको पेस्ट कर लिया है, अब मैं इसको डेकोरेट करूंगी। तो इन डेकोरेशन के लिए मैंने कुछ घर के ही बचे हुए सामान लिए हैं। आप भी घर का ही सामान यूज कीजिए, क्योंकि अभी पैंडेमिक टाइम में बाहर जाना ठीक नहीं है, तो दैट्स वे आप भी अपने घर के ही कुछ बचे हुए सामान का यूज कीजिए। आइए इस नवरात्रि हम घर के ही सामान से घर के सजावट के लिए सुंदर डेकोरेशन आइटम्स बनाते हैं। तो मैंने जो आइटम्स लिए डेकोरेशन के लिए उनमें से है कुछ मोती वाले पुराने स्टिकर्स, और हमें इसमें बैंगल्स की भी जरूरत होगी, दैट्स वे मैंने अपनी मम्मी के पुराने बैंगल्स लिए हैं, कुछ मिरर्स लिए हैं, और इधर भी कुछ डेकोरेशन का सामान है। मैंने इधर एक चेन भी लिया है, आप सबको पता है ये जो चेन था ये मेरे इसी ड्रेस का था, बट ये टूट गया है ये चेन, दैट्स वाई मैंने इसको इस डेकोरेशन में यूज करने का सोचा है। फिर ये कुछ पुराने बचे हुए ऊल है, इसके अंदर भी कुछ डेकोरेशन का सामान है, अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं इनका भी यूज करूंगी, और ग्लू की जरूरत है हमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम डेकोरेशन करेंगे इन कॉर्नर्स की। तो आप इन कॉर्नर्स को डेकोरेट करने के लिए ऊल का यूज कर सकते हैं, टेप का यूज कर सकते हैं, कलरफुल टेप्स जो आते हैं, क्रेयॉन्स, कलर पेंसिल्स, दैट्स टोटली अप टू यू, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास इधर ऊल है, बट मैं ऊल का यूज इसीलिए नहीं करूंगी क्योंकि मुझसे ऊल का काम ढंग से होता नहीं है, सारा काम मैसी हो जाएगा, दैट्स व्हाई मैं इधर पेंट का यूज करूंगी, मैं इधर येलो पेंट का यूज करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं, मैं सबसे पहले इन कॉर्नर्स में पेंट करूंगी। तो सही येलो पेंट लूंगी और इन कॉर्नर्स से स्टार्ट करती हूँ। तो ये जितना भी जो कार्डबोर्ड दिख रहा है इसको पूरा पेंट कर दूंगी मैं, और अगर आप ऊल का यूज कर रहे हैं कवर कर रहे हैं तो आप भी ये पूरा जितना भी कार्डबोर्ड है उन सबको कवर करने की कोशिश कीजिए। तो मैंने इसको कर दिया है और ये सूख भी गया है साइड से। तो अब इसमें हमें एक और काम करना है, वो है ये जो व्हाइट मोती है इनको हमें ये जो सर्कल है उसके बॉर्डर्स में लगाना है, जिससे वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो, ऐसे लगाना है इसको जैसे करते बॉर्डर्स में, ऐसे करके हमें लगाना है। उनके बॉर्डर्स को प्रोमिनेंट करने के लिए तो ये तो हमें लगाना है, इसके साथ साथ हमें एक और काम करना है, वो है ये जो बैंगल्स हैं, बैंगल्स में ऊल लगाना है। मैं एक लगा रही थी, ये आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से लगाना है ऐसे करके। ऐसे करके इनको लगाना है, इस ऊल को पूरा इस बैंगल को इस ऊल से कवर कर लेना है ऐसे। तो मैंने इसको मोती से कवर कर लिया है और मैंने इन बैंगल्स को भी ऊल से कवर कर लिया है। अब मैं इसको डेकोरेट करने के लिए प्लास्टिक फ्लावर्स का इस्तेमाल करूंगी। अगर आपके पास ये नहीं है, आपके पास जो भी अवेलेबल है फिर उसका यूज कर सकते हैं। तो मैं एक फ्लावर इधर दूंगी, एक फ्लावर इधर और एक फ्लावर इधर। फिर मैं इनके चारों तरफ मिरर दूंगी, ये डायमंड शेप वाले मिरर्स को ऐसे करके, इनको उसके बाद ऐसे ही ये मिरर्स जो है मिरर्स को मैं इधर इधर और इधर भी दे दूंगी, वो मैं ग्लू से फिर चिपका दूंगी। और एक काम जो हमें करना है वो है इसके अंदर कुछ लटकाना है, क्योंकि ये प्लेन अच्छा नहीं लगेगा, तो इसके अंदर मैं लटकाऊंगी ये बिग वाली मोती और ये रेड वाली मोती। इसके लिए हमें सुई का यूज करना होगा, आप इसको यूज करते समय किसी अडल्ट के सुपरविजन में इसको यूज कीजिएगा। तो सबसे पहले तो अब मैं इस व्हाइट मोती को फर्स्ट इसके अंदर डालूंगी ऐसे, उसके बाद मैं ये रेड वाली डालूंगी और फिर ये बिग व्हाइट वाली ऐसे करके डालना। उसके बाद इसको
एक बैंगल में ऐसे करके आपको बांध देना है, और ये जो चेन का यूज मैं कर रही हूँ उसको मैं इधर डालूंगी। तो मेरा डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है इसका, और ये देखिए मेरा ये भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है ये भी। तो अब मैं क्या करूँगी, इस ये जो ड्राइंग है इसमें ये और यहाँ पे मैं पिंक डॉट्स तक दूंगी टूथपिक के हेल्प से। इधर एक ऐसे करके मैं सब में डॉट्स दे दूंगी, इधर इधर और इधर इधर भी इधर इधर छोटा सा कमाया है और इधर 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 एक इधर एक इधर मैंने फेस में डॉट्स भी दे दी। अब देखिए ये और ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, मैंने इसमें थोड़ी सी डिटेल्स ऐड कर दी है और इनको भी मैंने लटका दिया है। ये वॉल हैंगिंग के लिए बहुत ही सुंदर आइडिया है, देखिए ये कितना प्यारा भी लग रहा है अगर हम इसे हैंग कर रहे हैं तो लुक ब्यूटीफुल। तो आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आप इसे अपने ही घर के कुछ मटीरियल से बना सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी अट्रैक्टिव। So this is all for today. I hope you enjoyed this video. Don't forget to like and subscribe my channel Kids Talent and share it with your family and friends. I will be back soon with a new video. और मेरे नए video में भी मैं ऐसा ही एक और आपके साथ idea share करूंगी। So उसे भी देखना मत भूलिएगा।